देहरादून के दून अस्पताल में पिछले करीब एक हफ्ते से आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट ठप होने से अस्पताल में आ रहे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वेबसाइट के काम ना करने की वजह से दून अस्पताल के आयुष्मान कार्ड के काउंटर पर लोगों की लंबी लंबी कतार लग रही है और मैनुअल तरीके के माध्यम से धीमी गति में लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। इस बात को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्माण कार्यों की वजह से कई बार कनेक्टिविटी खराब हो जाती है, जिसे देखते हुए सेकंड लाइन की व्यवस्था की जा रही है और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश है कि इससे किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है उन्हें बतौर सुविधा दी जा रही है और यह पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई अन्य असुविधा ना हो। पर इसमें जो अस्पताल आप देख रहे हैं कि हमारी यहाँ भी कुछ खुदाई और नई बिल्डिंग बन रही हैं और पूरे शहर में एक जिस तरह से हम लोग का स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, तो थोड़े से कंस्ट्रक्शन कार्य को लेके कई बार इसमें कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हमने सेकंड लाइन की व्यवस्था की जा रही है और सभी को इंस्ट्रक्शन हैं जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं कि इस वजह से मरीज को परेशानी ना हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वेबसाइट पर नए कार्ड बनने में प्रॉब्लम एक हम लोग को आ रही है, लेकिन अदरवाइज आयुष्मान जिनके पास है उनको पूरी तरह सुविधा प्राप्त हो रही है और इसमें जो भी थोड़ी बहुत असुविधा आगे हो रही है उसके लिए भी हम भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी तरीके की असुविधा ना हो।